दोस्तों, दिल्ली NCR यानी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ से देश के अन्य बड़े शहरों को जोड़ने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने गाजियाबाद से कानपुर के बीच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद दोनों शहरों के बीच आने जाने में महज 3.5 घंटे का समय लगेगा। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले इस कॉरिडोर से दोनों औद्योगिक शहर और करीब आ जाएंगे। अभी गाजियाबाद से कानपुर आने जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। इस एक्सप्रेसवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाने वाली कंपनी पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को 3 विकल्प बताए हैं, जिस पर जुलाई में निर्णय लिया जाएगा। 380 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन फील्ड हाईवे को NHAI द्वारा ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के तैयार होने से दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इसकी मदद से राज्य के 10 बड़े शहरों का सफर तय किया जा सकेगा। खास बात है कि इस हाईवे के तैयार होने के बाद गाजियाबाद से कानपुर तक का सफर महज 3.5 घंटे का हो जाएगा। फिलहाल NH91 गाजियाबाद और कानपुर को जोड़ता है व इसकी लंबाई 468 किलोमीटर है। इसके जरिए करीब 8 घंटे का समय लगता है। यह एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जो गाजियाबाद कानपुर दो औद्योगिक शहरों को जोड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार यह एक्सप्रेसवे हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, उन्नाव और कन्नौज के सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए गाजियाबाद और कानपुर को जोड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और कानपुर को जोड़ने वाले 4-लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस कॉरिडोर में कहां एलिवेटेड, अंडरपास और कहां एंट्री व एग्जिट पॉइंट होंगे, इसकी जानकारी DPR अप्रूवल के बाद मिलेगी। गाजियाबाद से कानपुर तक का सफर हरियाली से भरा होगा। इस परियोजना का लक्ष्य यात्रा के समय को कम करना और दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। NHAI ने एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक 90% भूमि पहले ही अधिग्रहित कर ली है और निर्माण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।